हेलो स्टूडेंट्स सो वी मेट अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने सी बी एस ई ट्वेल्थ ईयर लॉन्ग का कोर्स चल रहा था पिछली क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स यूनिट को स्टार्ट किया था जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी जेनेटिक्स यूनिट में हम लोग लोग ने पहला टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन को कम्प्लीट कर लिया था पूरा मतलब अलॉन्ग विद एन सी आर टी पी पी टी एक्सरसाइज आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो लास्ट एक तो लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस का मतलब इस कोर्स का दूसरा ये जेनेटिक्स का सेकेंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हेडिंग लिखेंगे यूनिट क्या है जेनेटिक्स ठीक है और चैप्टर का नाम क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जब भी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं उसके बाद हम लोगों ने काफी टाइम से एनसीईआरटी नहीं खोली तो एनसीईआरटी खोलेंगे और इसके टॉपिक्स को हम लोग इसमें से देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं देखो वहां पर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े सिद्धांत पढ़े कि इसके थ्रू इस प्रोसीजर के थ्रू आप इनहेरिट करते हो ट्रेट्स लेकिन आपकी बॉडी में एक्चुअली कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है जो इस इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को कैरी ऑन करते हैं करियर की तरह काम करते हैं देखो जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी जो कि सट्टन एंड बोवरी ने दी थी उन्होंने कहा था कि क्रोमोजोम एक्ट एज अ करियर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या क्रोमोजोम्स एक्ट एज अ करियर फॉर इनहेरिटें अब मुझे आप एक बात बताओ कि सेल होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है बिफोर सेल डिवीजन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंड टू फॉर्म क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स के अंदर लोकाए होते हैं ऐसे प्लेस जहां पर जीन लोकेटेड है और जीन के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए रख के बैठा हुआ है जो कि आर रख के बैठा हुआ है तो ये डीएनए और आर बस इन दो चीजों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है ठीक है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हमारी बॉडी में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि इस इनहेरिटेंस के प्रोसीजर को कैरी ऑन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को हम लोगों ने देख लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने कंटेंट देखेंगे देखो ये आपकी बुक है ये आपका क्या है चैप्टर नंबर सिक्स है चैप्टर नंबर सिक्स में हर एन की जो भी चैप्टर स्टार्ट uh, होता है उस पे उसके एक बॉक्स में कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं यहाँ पर हम कौन से कंटेंट्स देखने वाले हैं देखो हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आर वर्ल्ड रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन एम का एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मतलब कंटेंट देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म होगा लेकिन हम लोग तसली से इस चैप्टर को कड़ेंगे करेंगे लेक्चर्स के नंबर पर कम ज्यादा पे मत जाइए मेनली आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ठीक है तो ये स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है तो आपको इसमें पढ़ना क्या है सॉरी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है अच्छा डीएनए और आरएनए एक तरीके के क्या हैं मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो क्या हम इन्हें भी बायो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक भी करते हैं जिनका डाइजेशन भी होता है डी एन ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम समझ में आया तो डीएनए आर एन ए इज रिलेटेड टू आर लिविंग वर्ल्ड ठीक है तो ये क्या है आपके मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल अरिंग आउट फॉर केयरिंग आउट लॉजिक्स ऑफ इनहेरिटेंस लॉजिक्स ऑफ इनहेरिटेंस लॉजिक्स ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है स्टूडेंट्स ये लिखिए अब Molecules responsible for carrying out logics of inheritance, these molecules are actually the biomolecules. These molecules are actually the biomolecules. Are actually the biomolecules. नेमली नेमली डीएनए एंड आरएनए डीएनए एंड आरएनए ठीक है ये दोनों क्या है ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि जीन्स को कैरी ऑन करते हैं और जेनरेशन टू जेनरेशन आपके जो कैरेक्टर्स को जो कि इनहेरिटेंस को क्या करते हैं पास ऑन करते हैं सो डीएनए जिसका फुल फॉर्म क्या है डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डिऑक्सी राइबो ठीक है डीएनए क्या है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है दोनों बोथ ऑफ देम एक्ट अ मेन जेनेटिक मटेरियल ठीक है या करियर्स ऑफ जीन्स बोथ एक्ट एस मेन जेनेटिक मटेरियल बोथ एक्ट एज मेन जेनेटिक मटेरियल ठीक है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादा स्टडी पे फोकस इसी पे किया जाता है पर आर कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का मेन जेनेटिक मटेरियल देखा गया है खासकर वायरसेस का ठीक है तो क्या लिखूंगी मैं यहां पर लिखती हूं डीएनए एक्टेज जेनेटिक मटीरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम उसमें कोई भी वेराइटी आ सकती है एक्टेस मेन जेनेटिक मटीरियल में जेनेटिक मटीरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है एक्टेज मेन जेनेटिक मटीरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है आ रहे हैं एक्टेज जेनेटिक मटीरियल मेनली फॉर वायरसेस ठीक है मतलब जो आर एन ए उसकी इंसिडेंस कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है इन कंपेरिजन टू डीएनए ठीक है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो इसका जो पाया जाने वाला कंटेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा है ठीक है सो एक्ट एस मेन जेनेटिक मटेरियल फॉर Act as main genetic material for viruses. देखो वायरसेस का कॉन्सेप्ट क्या है आज तक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आया है वायरस का ये समझ में नहीं आता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है आउटसाइड द बॉडी दे आर एक्ट एज नॉन लिविंग पर जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर कर देते हैं आपको इन्फेक्शन आपने वायरल इन्फेक्शन देखा होगा ठीक है आपने देखा है ना जब आपको खांसी आती है छीके आती हैं आपका गला खराब हो है तो डॉक्टर कहते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन ठीक है राइनो वायरस तो वायरस क्या है जब तक एक होस्ट की बॉडी में एंट्री नहीं लेते हैं उनको एक लिविंग बॉडी एक लिविंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता तब तक वायरस अपने आप को नॉन लिविंग कंसिडर करवा के चलते हैं तो क्या है आज भी वायरसेस का समझ में नहीं है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं है जो कि लिविंग मैटर है उनका कोई है वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं है ओके है है क्योंकि अगर कोई भी पर्सन जीवित मल्टीप्लाई कर रहा है रेप्लीकेट कर रहा है तो उसके पास उसका जेनेटिक मटीरियल है तभी तो वो इन फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन कर रहा है आज मेरे अंदर डीएनए है तभी तो मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ ठीक है अगर मैं मेरी बॉडी का डीएनए हटा दूंगी तो मेरी बॉडी में फीचर्स कैसे नजर आएंगे जो मेरी आंखों की बनावट है जो कभी मेरे थोड़े पापा से मैच करती है मेरी नाक की बनावट है जो मेरे किसी रिलेटिव से मैच करती है क्लोज रिलेटिव्स में किनी किन्नी की शक्ल बुआ पे चली जाती है कोई बिल्कुल चाचा की तरह लगते बिकॉज बट दे आर नॉट गेट बर्थ फ्रॉम दैट पर्सन तो ये जो फीचर्स और जो ट्रेड्स हैं ये जो पूरा एक जेनेटिक का जो गेम है जो जेनेटिक मटेरियल सेलुलर पूल का जो गेम है वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करता है ठीक है किन्हीं किन्नी बच्चों की शक्ल काफी हद तक उनके बहुत जैसे दादा से मिलती है बट यू आर नॉट टेकन बर्ड फ्रॉम योर ग्रैंड फादर बट यू हैव टेकन बर्ड फ्रॉम द फादर हु इज एक्चुअली द सन ऑफ योर ग्रैंड फादर तो कहीं ना कहीं आपके पापा के जो कैरेक्टर्स आपके दादाजी में आए हैं वही के वही तो आपको मिले हैं क्योंकि आप तो उन्हीं के बच्चे हो तो ये जो ट्रेड्स का जो ट्रांसमिशन है ये जो फीचर्स का जो ट्रांसमिशन है वो आपके सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास ऑन होने पर नजर आता है तभी आजकल जब भी क्राइम्स होते हैं तो क्या बोलते हैं डीएनए टेस्ट करवा लो विल यू विल कम टू नो हु फादर सस्पेक्टेड चाइल्ड क्योंकि जिसका डीएनए मैच कर जाएगा दैट मीनस आप उन्हीं से ही पैदा हुए उन्हीं का ही मटेरियल उन्हीं के कैरेक्टर उन्हीं के जी नाम ने इनहेरिट किए हैं ठीक है तो वायरसेस आर स्टिल द क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रोवर्जी कि वो लिविंग में है कि नॉन लिविंग में है क्योंकि जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके बाद जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तो बीच में मैंने आपको वायरसेज एंड वायरॉइड्स नाम का टॉपिक पढ़ाया था अपने वायरसेस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था अपने वायरस का एसोसिएशन बैक्टीरिया से भी देखा था ठीक है बट स्टिल क्या है वायरसेस के पास क्या है कोई ऐसे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म नहीं है अब अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो उनकी बॉडी में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं चलेंगी कोई सिंथेटिक रिएक्शन कोई मेटाबॉलिज्म कोई एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स का बनना प्रोडक्ट्स का टूटना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वायरसेस में आपको एज अ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म करवाते हुए नहीं नजर आएंगे बट स्टिल यू आर कंसिडरिंग वायरस मतलब वायरस का कोई ना कोई रोल आपकी बॉडी में जरूर है दैट्स वाई यू आर काउंटिंग जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरसेस आर आर है अब देखो इनमें अब डीएनए आरएनए में मेनली क्या क्या फर्क होता है अगर आप जैसे फ्लो में बता दो तो फिर मैं अलग अलग तो आपको पढ़ाने वाली हूं जैसे आप लोगों ने देखा है कि भाई ठीक है नाम में तो फर्क है ही राइबो न्यूक्लियर मतलब राइबोस ग्रुप है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डी मतलब डी मतलब हटा दो डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दो तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाएगा तो डी राइबो शुगर हो जाएगा और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो वो राइबो शुगर होगा शुगर है जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है आरएनए का नहीं है डीएनए का डबल स्ट्रेडर्ड है आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडर्ड है इनकी जो देखो जो पूरा एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो तीन मेन चीजों का बना हुआ रहता है भाई डीएनए क्या है पॉलीमर है पॉलीमर का मतलब है कि वो छोटे छोटे मोनोमर से बनता हुआ आएगा तो एक तरीके से कहते हैं कि डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर जो कि एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बॉन्ड दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बॉन्ड तीसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर करके एक लंबी सी चेन बना देता है और डीएनए की लंबाई उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर डिपेंड रहती है जितने लंबे न्यूक्लियोटाइड्स उतना लंबा बॉन्ड उतना लंबा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है। हेलिकल मतलब थोड़ा ऐसा घूमा हुआ थोड़ा ऐसा यू नो ट्विस्टेड टर्न में आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होगा ठीक है आपने जब इससे पहले वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने डीएनए को ऐसा लेडर शेप देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये ये होते हैं तो एक जो न्यूक्लियोटाइट होता है पहले आप सुन लो फिर हम लोग लिखेंगे एक जो न्यूक्लियोटाइट होता है वो तीन चीजों का बना हुआ रहता है शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस ठीक है शुगर क्या है पांच कार्बन कंटेनिंग शुगर है एक मोनोसेकर ठीक है जिसमें आपका फोस्फिट ग्रुप लगा रहता है और नाइट्रोजन बेस लगा रहता है डीएनए में आपको नाइट्रोजन बेस मिलेंगे दो तरीके के प्यूराइन एंड पायरीमिडीस प्यूराइंस में आएंगे आपके एडीनाइन एंड ग्वानी और पायरीमिडीन में आएंगे आपके साइटोसिन यूरासिल एंड था ठीक है इतना समझ में आया अब हम लोग इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते एक काम करो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो देन वी विल राइट